नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। कनाडा पिछले कुछ महीनों से भारत के रडार पर है, क्योंकि कनाडा में भारत विरोधी ताकतें जिस तरह से पनप रही हैं, ऐसे में अगर ये कहा जाए कि कनाडा अब दूसरा पाकिस्तान बनता जा रहा है तो ये गलत नहीं होगा। चंद वोट और सत्ता के लालच में कनाडा में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर खालिस्तानियों को जिस तरह से बढ़ावा मिल रहा है, ऐसे में भारत आखिर कब तक बर्दाश्त करता। इसलिए कनाडा को करारा जवाब देना भारत के लिए बहुत ही जरूरी था और भारत ने किया भी कुछ ऐसा ही। जब भारत को लगा कि अब पानी सिर से ऊपर उठ रहा है और भारत की खामोशी को कनाडा उसकी कमजोरी समझ बैठा है, तो इस वहम को दूर करने के लिए भारत ने कनाडा को करारा जवाब दिया है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत इसी साल जून के महीने में हुई थी, जब खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कनाडा में अज्ञात बदमाशों द्वारा कर दी गई। इसके बाद खालिस्तानी समर्थकों ने कनाडा में हंगामा किया, भारत विरोधी नारे और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और इस हत्याकांड का आरोप भारत पर लगाने लगे। वहीं भारत इन सब आरोपों को नजरअंदाज करता रहा, लेकिन हद तो तब हो गई जब आतंकी हरदीप सिंह हत्याकांड में भारत की संलिप्तता का आरोप लगाते हुए कनाडा ने सोमवार को भारत के एक सीनियर डिप्लोमेट को ही निष्कासित करने का आदेश दे दिया। फिर क्या था, भारत ने कनाडा को उसकी औकात दिखाने का फैसला किया और अब मोदी सरकार ने भी कनाडा के उच्चायुक्त को तलब करते हुए 5 दिनों के अंदर अंदर भारत छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है। आपको बता दें कि हरदीप सिंह निज्जर को भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने भगोड़ा और आतंकवादी घोषित कर रखा था। इसके अलावा उसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। वहीं उसके हत्या के बाद से ही कनाडा और भारत के रिश्तों में कड़वाहट आई है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को कनाडा की संसद में हत्याकांड पर भारत सरकार की संलिप्तता पर सवाल उठाते हुए कहा था, कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां भारत सरकार और कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच की कड़ी के आरोपों की सक्रियता से जांच कर रही है। कनाडा की धरती पर कनाडा के नागरिक की हत्या में किसी अन्य देश या विदेशी सरकार की संलिप्तता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है या पूरी तरह से अस्वीकार्य है। जस्टिन ट्रूडो के इसी बयान के बाद कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जोली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि भारत के एक शीर्ष डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया गया है। उन्होंने कहा, आज हम कार्रवाई के रूप में भारत के एक प्रमुख राजनयिक को निष्कासित कर रहे हैं, लेकिन हम इसकी तह तक जाएंगे। अगर यह सब सच साबित होता है तो यह हमारी संप्रभुता और एक दूसरे के साथ पेश आने के बुनियादी नियम का बड़ा उल्लंघन होगा। वहीं कनाडा के इस कदम के बाद भारत ने भी करारा जवाब देते हुए कनाडाई राजनयिक को 5 दिनों के अंदर ही देश छोड़ने को कह दिया है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि फिलहाल कनाडा और भारत के बीच किस तरह का रिश्ता है। अब आगे देखना होगा कि इन सब का परिणाम क्या निकलता है, लेकिन एक बात तय है कि कनाडा चुनाव को देखते हुए भी ये सब कुछ किया जा रहा है ताकि ट्रूडो की सत्ता बची रहे। वैसे आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।